हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं और एडिशन रिएक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पूरी कोशिश करूं कि वीडियो छोटी बने और आप छोटे समय में कम समय में आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता क्या है। तो सबस्ट्रेट जो होता है, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, इस पर किसी रिएजेंट का, जिसे हम अटैकिंग एजेंट कहते हैं, उसका रिएक्शन होता है, उसका अटैचमेंट होता है और साथ में एक रिएक्टिव स्पीसीज बनती है, एक शॉर्ट लिव्ड टेम्पररी स्पीसीज बनती है जो आयन के फॉर्म में हो सकती है या आपके कंपाउंड के फॉर्म में हो सकती है। तो ये जो स्पीसीज होती है इंटरमीडिएट कहलाती है और ये लास्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, अटैकिंग एजेंट, रिएजेंट का सबस्ट्रेट पर अटैक होता है और साथ में एक रिएक्टिव आयनिक स्पीसीज बनती है जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, कार्बोनाइज फ्री रेडिकल्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, टेम्पररी स्पीसीज होती है और ये तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के फॉर्म को, इस तरह के सिचुएशन को हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे NaCl को अगर आपने पानी में डाला, नमक को पानी में डाला और नमक घुल गया पानी में और बन गया NaOH और HCl, तो वहां पे NaCl क्या है, सबस्ट्रेट है, पानी क्या है, रिएजेंट या अटैकिंग एजेंट है और आपका बन क्या रहा है, आयन्स बन रहे हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NaOH और HCl। तो वहां पे वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है, बट हम आपको यहाँ पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सब अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे अल्कोहल, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके बेसिस पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पर सारे रिएक्शंस को समराइज करके चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ये सबको पढ़ना आपको डिटेल से, आप जो भी क्लास के बच्चे हैं आपको ये जानना जरूरी है कि एडिशन मतलब होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है। धीरे धीरे जब आप क्लास बढ़ेगा, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये भी ब्रॉड होते जाएगा, एडिशन भी ब्रॉड होते जाएगा, सब्स्टिट्यूशन भी ब्रॉड होते जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझना है ये रिएक्शंस होते क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग तरह के टाइप के होते हैं, तो उनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को चार भागों में डिवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इस रिएक्शन में सब कुछ ऐड होता है, जैसे सबस्ट्रेट था, रिएक्टेंट था, उसमें रिएजेंट का, सबस्ट्रेट को ही रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो किसी रिएक्टेंट में उसके रिएजेंट का अटैक होना, उसका जुड़ जाना, ऐड हो जाना और बाकी कुछ निकलता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, किसका, रिएजेंट का रिएक्टेंट में ऐड हो जाना और साथ में प्रोडक्ट बनना और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ निकला ही नहीं, तो उसको बोलेंगे क्योंकि सब कुछ ऐड हो गया, सब कुछ वहां पर ऐड हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए और बी है, ठीक है, ये एक एटम बी एटम से अटैच है, ठीक है, और ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में ले रही हूँ, यहाँ पर ए बी है, ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम, बी भी क्या है, कार्बन एटम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच है और यहाँ पर एक रिएजेंट मैंने ले लिया एच बी आर, या मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो रिएजेंट लिया है फिलहाल के लिए, अभी मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल ले रही हूँ, बाद में अच्छे से एग्जाम्पल लूंगी। तो यहाँ पर एक्स वाई करके यहाँ पर कोई रिएजेंट ले लिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि ये जो है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस तरह का काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये डबल बॉन्ड क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जब कोई रिएजेंट हम लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी बनेगा, न्यूक्लियोफाइल भी बनेगा उस रिएजेंट में, तो वो क्या करेगा कि ये दोनों इस पर आकर अटैच हो जाते हैं। क्यों अटैच होते हैं, क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव बनेगा ना, तो यहां पर क्या होगा कि ए के पास ये एक्स आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, और बी के पास ये वाई आके जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है, किसकी वजह से ब्रेक कर रहा है, इस रिएजेंट की वजह से ब्रेक कर रहा है, और ये रिएजेंट इस पर आकर, इस रिएक्टेंट पर आकर यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं।
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और रिएजेंट पूरा का पूरा एड हो गया, ठीक है, बाय प्रोडक्ट कुछ निकला ही नहीं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। रिएजेंट के एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, उसके पाई बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ में एलिवेशन में कुछ नहीं निकलता है, वहां पे सब कुछ ऐड हो जाता है, तो उसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है देखने में बट है नहीं, काफी ज्यादा मैकेनिज्म है इसका, काफी एग्जांपल्स है और काफी सारे टाइप्स है एडिशन रिएक्शन की। और आप देख रहे हो कि इतना लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, काफी ब्रॉड है एडिशन रिएक्शन, काफी लंबा चैप्टर है इसका, क्योंकि अलग अलग तरह के कंपाउंड में अलग अलग तरह के रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है इस वजह से। एडिशन रिएक्शन का सबसे सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लेकर मैं आपको बताती हूँ, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस केस में अगर आपने इसका निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में निकिल कैटलिस्ट लिया और इसका हाइड्रोजिनेशन करा दिया, हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का अटैक होना, तो यहाँ पर आपने एसिटिलीन लिया और निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में उसका हाइड्रोजिनेशन करा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि पाई बॉन्ड खुलेगा, ब्रेक होगा, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा और हाइड्रोजन पे एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा, दोनों हाइड्रोजन जाकर इस पर जुड़ जाते हैं और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाते हैं, एसिटिलीन से क्या बन गया, एथिलीन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर से अगर हम निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में इसका हाइड्रोजिनेशन करा दे, H2 से रिएक्शन करा दे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH3 में। तो आपने क्या देखा कि बाय प्रोडक्ट कुछ बन नहीं रहा है, सबका सब ऐड हो जा रहा है, जो आप रिएजेंट ले रहे हैं वो पूरा इस पर जाकर ऐड हो जा रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, फिर ऐड हुआ तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, तो सारा का सारा रिएजेंट रिएक्टेंट पर ऐड हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, ठीक है, यहाँ पर भी sp है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे तो वो क्या है sp2 है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वो है sp3 है। तो आपने ये देखा कि किसी एडिशन रिएक्शन में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है, पहले था sp2 हो गया और फिर लास्ट में sp3 हो गया, तो sp से पहले क्या हुआ sp2 से फिर क्या हुआ sp3, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जा रहा है, किसी एडिशन रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, क्योंकि बॉन्ड्स खुल रहे हैं, बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं खुल रहे हैं, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जीरो पाई बॉन्ड है, तो क्या हो रहा है बॉन्ड्स खुल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजिनेशन देखा ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का भी आपने हाइड्रोजिनेशन देखा। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे सिंपल सा मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया इनर्ट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट को यहाँ पर हम लेते हैं, तब जाकर HBr का इसमें रिएक्शन कराते हैं। अगर यहाँ पे नॉन पोलर नहीं लेंगे, यहाँ पे वाटर को ले लेंगे, तो वो इस तरह का रिएक्शन फिर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब हम H2O को लेंगे तो H2O खुद ही पोलर होता है, तो उस HBr के साथ रिएक्शन करने लगेगा और कुछ और ही बनाने लगेगा। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन जब आप लेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि सॉल्वेंट जो होगा, कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपको मीडियम जो लेना है वो इनर्ट मीडियम लेना है, नॉन पोलर मीडियम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर HBr जो होता है, क्योंकि ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और H के ऊपर यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, Br के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और मैंने आपको कहा कि एल्कीन जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, उस वजह से क्या होगा ये H+ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के पास और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2, हाँ, और फिर साथ में आपका CH2, अब Br यहाँ जुड़ जाएगा और आपका हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पे। मैकेनिज्म से आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिलहाल इतना समझिए कि ये HBr जो है रिएजेंट है वो एल्कीन के साथ जुड़कर यहाँ पर ये बना लिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है यहाँ पर sp2 से sp3 हो रहा है, फिर पहले आपने पहले वाले केस में देखा sp से sp2 हो रहा था, तो उस केस में आपका एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसके मैकेनिज्म अगर मैं देखूं, मैकेनिज्म से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कैसे यहाँ पर हो रहा है, तो पहले स्टेप में क्या होता है कि CH2, ठीक है,
पहले स्टेप में CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका HBr, ये जो इनर्ट एटमोस्फियर में इसको लिया गया है, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है डेल नेगेटिव। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करेगा और आपका बना लेगा CH2 CH2, और इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर जुड़ेगा हाइड्रोजन नेगेटिव के ऊपर, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर Br जो होगा सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में Br नेगेटिव जो होगा वो अटैक करेगा इस पर, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा और बनेगा CH3 CH2 Br। तो आपने क्या देखा कि सब कुछ ऐड हो रहा है, ये मैकेनिज्म से मैंने आपको बताया कि पहले केस में H+ अटैक हुआ, दूसरे केस में Br- अटैक हुआ। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएजेंट रिएक्टेंट से जाकर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन अगर हमने एच सी एन से करा दिया तो इस सी एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां पर जो आपका डबल बॉन्ड ओ है वो नेगेटिव हिस्से से लेता है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये यहां पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा सी एस थ्री सी ओ आपका एच, और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सी एन माइनस का अटैक होगा इसके ऊपर, ठीक है, होगा ना। तो उसके बाद क्या बन जाएगा आपका सी एस थ्री सी ओ एच हाइड्रोजन और सी एन। तो एक ही कार्बन पर जब साइनाइड ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो, एक ही कार्बन पे ओ एच और सी एन दोनों ग्रुप अटैच हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पर साइनोहाइड्रीन आपका बन रहा है। ओवरऑल कहने का तो ये हुआ कि एल्डिहाइड के रिएक्शन में हमने एचसीएन से कराया तो पूरा का पूरा एचसीएन जुड़कर आपका ये कंपाउंड बना दिया, बाय प्रोडक्ट कुछ निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू बनाया, आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे बना सकते थे एचसीएन और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेकर, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेकर आप डायरेक्ट इसे बना सकते थे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इस तरह से रिएक्शन हो रही है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ एडिशन रिएक्शन का, जैसे आपका यहां बेंजीन है, ठीक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू एलिफेटिक कंपाउंड। तो अगर आप चाहेंगे कि डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों बहुत एरोमेटिक में है, स्टेबिलिटी की हाई है, तीनों ही पाई बॉन्ड रिंग पर डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इजिली वो नहीं आपका ब्रेक करेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि अगर हम थ्री एच टू को ले ले और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में, तो यहाँ पर तीन एच टू का मतलब क्या हुआ, छह हाइड्रोजन, तो यहाँ पर छह हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ऑलरेडी छह हाइड्रोजन बेंजीन के पास है, और यहाँ पर छह हाइड्रोजन को अगर हम एड कर दे तो बाहर की तरफ आपके छह हाइड्रोजन और एड हो जाते हैं और आपका 12 हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सारे के सारे पाई बॉन्ड आपके ब्रेक करके, ऐसा नहीं कि केवल एक ही ब्रेक करेगा बाकी का दो रह जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जितना भी आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ोगे फ्यूचर में वो सबका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कंपाउंड बन गया, क्या बना C6H6 का, जब आपने 3H2 से रिएक्शन कराया टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में, तो वहां पर आपका बना 6H12, छह हाइड्रोजन वहां पे ऐड हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आगे दूसरा एग्जांपल, तो एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो किस किस तरह के कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो पहला आपका सी डबल बॉन्ड सी जिसे हम एल्कीन कहते हैं, ये एडिशन रिएक्शन देता है। दूसरा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये एडिशन रिएक्शन देता है जिसे हम एल्काइन कहते हैं। तीसरा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये भी आपका एडिशन रिएक्शन देता है। चौथा है आपका कीटोनिक ग्रुप, कीटोन, ठीक है, ये भी आपका एडिशन रिएक्शन देता है। पांचवा है सी ट्रिपल बॉन्ड एन या सी डबल बॉन्ड एन,
डबल बॉन्ड ट्रिपल मतलब अनसैचुरेशन होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अनसैचुरेटेड डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो आपका एडिशन रिएक्शन देते हैं। सिंगल बॉन्ड कभी भी आपका नहीं दे सकता। CH3 यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर H हो गया। अगर आप चाहोगे कि इसमें एडिशन हो तो इस कंपाउंड में एडिशन होगा कैसे, क्योंकि सारे के सारे आपका सेटिस्फाइड है, सभी सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी आपका लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड होता तो वो ब्रेक करता और वहां पर एडिशन होता, तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इसमें एडिशन हो पाएगा। तो कोई भी आपका सैचुरेटेड कंपाउंड आपका एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सैचुरेटेड है ना, चारों वैलेंस सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है तो ये सैचुरेटेड है, तो एडिशन रिएक्शन को ये नहीं देगा। तो जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनमें एडिशन रिएक्शन होता है। तो कौन कौन से आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं, एल्काइन, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोनिक ग्रुप और साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके एडिशन रिएक्शन को देते हैं। चलिए कल समझ गए। अब है टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का एक बहुत ही लंबा सा चैप्टर है, ठीक है, तो अगर आप 11th के तो शायद यहीं तक होगा। हाँ, और आपका पहला टाइप एडिशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। दूसरा है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके तीन तरह के एडिशन रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। जो बीच में इंटरमीडिएट बन रहा था ना अभी रिएक्शन के बीच में, तो उनके बेसिस पर हमने तीन तरह के यहाँ पे एडिशन रिएक्शन को फाइंड किया है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो ये जो होते हैं ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये बीच में बनते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हुआ, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब कार्बोकेटायन। ठीक है, तो कार्बोकेटायन अगर बीच में बन रहा है फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन के, तो वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। अगर फर्स्ट स्टेप मतलब क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उस स्टेप में अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, C+ बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर स्लो स्टेप में मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मतलब फर्स्ट स्टेप में अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, कार्बोनायन बन रहा है, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर फ्री रेडिकल बन रहा है बीच रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में अगर फ्री रेडिकल बन रहा है, तो उसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के इंटरमीडिएट को देखेंगे कि पहले अटैक किसका हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो भी होगा उस केस में आप क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है कि फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है, उसके बेसिस पर आप एडिशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह के एडिशन रिएक्शन यहां पर होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें कि पहला स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल सा नॉर्मल सा एग्जांपल है, अभी कई बार मैंने इस एग्जांपल को ले लिया, आसान एग्जांपल है इसलिए मैं इसको लेकर समझा देती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं HBr से नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, तो यहां पर आपका बनता है CH3CH2Br। ठीक है, तो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म है ये, आपका मैकेनिज्म से मैं आपको बताऊंगी कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म है आपका, और ये कौन सा था, आपका था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, यहां पर ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, आगे है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका HBr जो है ये पार्शियली CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये पहला वाला। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा,
क्योंकि यहाँ पर स्टेबल बनेगा तो तुरंत ही वो मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप होता है, यहाँ पर आप रेट को फाइंड कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है। ठीक है, अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक हो गया, जुड़ गया। तो अब यहाँ पर आपका क्या हुआ, जिसपे जुड़ेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा चाहे इस पे जाएगा, क्योंकि दोनों तत्व तो सिमेट्रिकल है, ये अर्थिंग क्या है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जाएगा चाहे यहाँ पे जाएगा। तो सपोज दैट कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया तो H प्लस ये जुड़ गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, प्लस चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है और साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल अटैक करता है तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपका ये बन गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप टू, इस केस में CH2 यहां पर हाइड्रोजन CH2 प्लस और आपका Br- अब यहां पर अटैक करेगा, ये CH2 प्लस इस पर अटैक करेगा चाहे वो उस पर अटैक करेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, CH3 है और यहां पर है CH2 और यहां पर Br इससे जुड़ गया। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बन गया, दोनों ही HBr जो है, दोनों ही रिएजेंट जो है वो रिएक्टेंट के साथ जुड़कर एडिशन यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है और ये मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है। तो यहाँ पर आपका आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका अटैक कर रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये पहला स्टेप क्यों है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो हाईली स्टेबल होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा, तभी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS होगा। अगर पहले स्टेप में अगर कोई स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तभी जाकर वो आपका स्टेप RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। लेस स्टेबल होगा तब नहीं होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट में बनेगा और ज्यादा देर तक रहेगा, उस केस में आप उसके रेट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जब वो ज्यादा देर तक रहेगा तो उसके रेट को आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगी या जो कार्बोकेटायन बन रहे हैं, तो यहाँ पर सपोज दैट कि ये तो आपका सिमेट्रिकल था, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता, यहाँ पर आपका CH2 ना होकर यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता, अनसिमेट्रिकल होता, तब वहां पर आप कार्बोकेटायन को क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि कौन सा कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे, समझ आ रहा है। जो आपका फर्स्ट स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पर आपका सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता तो वहां पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को आप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आप उसका स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन सा आपका स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एक ही है, तो कौन सा क्या मतलब हुआ, सपोज दैट कि यहाँ पर आपका एक और CH3 होता तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो जाता, लेकिन अगर ये प्लस चार्ज तीसरे वाले कार्बन पे होता तो वो प्राइमरी होता, तो उस केस में प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वहां पर रीअरेंजमेंट होता, कोई भी आयन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो यहाँ पर अगर लेस स्टेबल आयन बन रहा है तो वो कैसे भी करके अपने आप को मोर स्टेबल करने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो ये सिमेट्रिकल है तो ये कोशिश नहीं करेगा, जो बन रहा है वही है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वहां पर आपकी प्रोडक्ट जो बनेगी वो यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले सिमेट्रिकल है तो कोई बात नहीं, अनसिमेट्रिकल है तो आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को ही फर्स्ट स्टेप में बनाएंगे, उसके बाद आप Br- का रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको मैं साफ करके एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ।
जैसे है CH3 और यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्किल है। तो इस केस में आपका HBr से जब आपने रिएक्शन कराया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होगा वो रूल कौन सा होगा? मार्कोनिकोफ रूल। लेस डबल बॉन्डेड कार्बन अगर अटैच है एक दूसरे से तो उस कार्बन के पास आपका नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। आपको मैंने बताया है अपने लास्ट क्लास में कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, मतलब बीच वाले कार्बन से आपका नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। CH3C हाइड्रोजन यहाँ पे, Br यहाँ पे और आपका CH3 यहाँ पे हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, उसका एडिशन रिएक्शन करवाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के कंडीशन में, तो वहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा जिसे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल आप इसको समझेंगे। मार्कोनिकोफ ने ये कहा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन अगर हाइड्रोजन कम है उसके पास, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपका इसी के पास कम है ना, इसके पास तो दो है, इसके पास एक है, तो यहाँ पर एक वाले से आपका नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का जुड़ गया, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर बनेगा। तो ये भी केस हो सकता है कि यहाँ पर ब्रोमिन जुड़े तो वो माइनर होगा, वो भी बनेगा लेकिन वो माइनर होगा, लेकिन मेजर वाला आपका ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। और ये मैंने अच्छे से आपको लास्ट क्लास में बताया है, मार्कोनिकोफ भी बताया है, एंटी मार्कोनिकोफ भी बताया है कि अगर हम HBr की जगह पर यहाँ पे CCl4 की जगह पर अगर हम यहाँ पे H2O2 ले लेते हैं, ठीक है, परऑक्साइड ले लेते हैं, तो ये मेजर आपका नहीं बनेगा, फिर उस केस में आपका बियर इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, माइनर प्रोडक्ट मेजर बन जाता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल में। और मार्कोनिकोफ रूल में मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वहां पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं तब जाकर आप मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। और एंटी मार्कोनिकोफ में आपका परऑक्साइड पे ध्यान देंगे, अगर परऑक्साइड होगा तो आप एंटी मार्कोनिकोफ में माइनर प्रोडक्ट जो था लेस स्टेबल कार्बोकेटायन उससे आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो यहां पर आपने नॉन पोलर लिया है, तो सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, वो आधे घंटे से ऊपर का वो क्लास है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको आई बटन में, आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको वहां से। तो फिलहाल आपने क्या समझा कि मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रोमीन आपका जुड़ गया, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो क्या होगा, मैकेनिज्म, ठीक है, तो स्टेट फर्स्ट में क्या होता है कि आपका इसका क्या रोल है? कुछ रोल नहीं है, ये बस एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ताकि HBr जो है वो आराम से रिएक्शन कर सके। वाटर ले लेंगे तो HBr वाटर से ही रिएक्शन करने लगेगा इस वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर CH3 वाटर से रिएक्शन करके वो हाइड्रोलिसिस करने लगेगा और H3O+ बनने लगेगा, इसलिए यहाँ पर वाटर ले लिया हमने, नॉन पोलर सॉल्वेंट को लिया हुआ है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने HBr का रिएक्शन करवाया तो आपका प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये आपका यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ मूव करेगी? इस वाले केस में जो इसके पहले बताया था सिमेट्रिकल था, आपने कहीं पे भी मूव करा दो, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पर हमें सोचना होगा कि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे मूव कराए, इस कार्बन पे मूव कराए, कौन सी कार्बन पे मूव कराए कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने, ये हमें सोचना है। तो आपको यहाँ पर अगर हम मूव कराते हैं तो वो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, होगा ना? यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कराया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ होगा तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा। अगर हमने इधर मूव करा दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस केस में वो प्राइमरी कार्बोकेटायन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री और 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोकेटायन का ऑर्डर, जैसा मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 डिग्री और 1 डिग्री की ही बात हो रही है, 3 डिग्री यहाँ पर नहीं है। तो आपका यहाँ अगर ये मूव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, होगा ना? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका H+ है वो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब आपका इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ होगा ऐसे करके, हाँ ये, तो यहाँ पर जब अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा,
H3C, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाँ एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, और CH3 ये बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, स्टेप टू में क्या हो जाएगा, CH3 CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पर Br- का अटैक होगा, तो क्या होगा पॉजिटिव से ये CH3 CH Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH3 बन जाएगा। बना ये वाला प्रोडक्ट, ये बन गया, ये होता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपने मैकेनिज्म में ये देखा कि फर्स्ट स्टेप में आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल भी बनता है। लेस स्टेबल में क्या होगा कि ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, वो भी बनेगा लेकिन वो लेस होगा, माइनर होगा, और माइनर हमें नहीं देखना है, हमें मेजर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को आपको पता करना है पहले स्टेप में, उसके बाद आपको फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर रिएक्शन को आप प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ अच्छे से आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में बहुत ज्यादा से क्वेश्चन आते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ से भी आते हैं, परऑक्साइड दे देगा, तो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपने पढ़ा एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, चार तरह के होते हैं। उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको तीन तरह के टाइप्स बताया, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तीन तरह के एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बहुत सारे कंपाउंड्स, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स शो करते हैं, काफी बड़ा ब्रॉड चैप्टर है एडिशन रिएक्शन का। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सी डबल बॉन्ड सी की अगर हम बात करें, इसे हम बोलते हैं एल्कीन, तो ये अलग अलग तरह के रिएक्शन देता है एडिशन रिएक्शन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कीन जो होते हैं कौन कौन तरह के एडिशन रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देते हैं। तो सबसे पहला केस हम यहाँ ले रहे हैं ए स्मॉल ए, वन कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये है सी डबल बॉन्ड सी, इसे हम बोलते हैं एल्कीन। तो जो एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन, एल्कीन जो होता है तीन तरह का आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। पहला केस है एल्कीन का रिएक्शन होता है, एल्कीन रिएक्शन करता है विद द HX, ठीक है, HX से, X क्या है, हैलोजन है, तो एल्कीन का रिएक्शन होता है HX से, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और हैलोजन भी जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे C डबल बॉन्ड C में, तो इसको बोलेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन। दूसरा केस होता है एल्कीन जो होता है वो जुड़ता है रिएक्शन, एल्कीन का रिएक्शन होता है हैलोजन के साथ, हैलोजन मतलब X2 मतलब Cl2 Br2, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होता है, तो इसको बोलेंगे आपका हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। तीसरा केस जो होता है, इस केस में एल्कीन जो होता है वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, रिएक्शन वाटर के साथ, H2O के साथ, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो आपको तीनों ही पढ़ना है, तो एक एक करके मैं बताते जाती हूँ। पहला केस में एल्कीन जो है वो आपका HX से रिएक्शन करेगा, जैसे HCl से रिएक्शन करेगा, तो वो हाइड्रो हैलोजिनेशन कराता है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। एल्कीन जो है अगर आपका हैलोजन से रिएक्शन करता है, जैसे Cl2 से रिएक्शन करता है, तो उसको बोलेंगे हैलोजिनेशन। Br2 से रिएक्शन नहीं कर पाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। फिर आपको एल्कीन जो होता है वो रिएक्शन करता है H2O के साथ, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, आपका H3O+ लेते हैं जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो सब आपको पढ़ना है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ, वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि एल्कीन कैसे HX के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपका ये बन रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये वाला एग्जांपल बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, HBr रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रो हैलोजिनेशन होता है और CH3 और CH2 और Br बन जाता है,
इसको बोलते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन एल्कीन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोहैलोजिनेशन का दो एग्जांपल लिया हुआ है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद कीजिए। यहाँ पर CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर आपका ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है CH2 के साथ। तो आपके इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो इस तरह का यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। तो एक केस में आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, एक केस में यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो हमें पहले, सबसे पहले आपका मोर स्टेबल कार्बोकेट आयन को ढूंढना है। तो अगर हम इधर करेंगे इस पाई इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर C+ आएगा, और C+ यहाँ पर 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है स्टेबल कार्बोकेट आयन बनने की, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेट आयन बनेगा। अगर हम इधर ले लेंगे तो 1 डिग्री बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर आपका Br- अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, Br नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जुड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन कम होता है, तो उस कम नंबर वाले हाइड्रोजन का, मतलब उससे कम हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होगा, उसी से वो नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। मतलब ये कि मार्कोनिक ऑफ ने कहा कि अगर C डबल बॉन्ड C है और C के पास अगर कम हाइड्रोजन है, तो उससे ही वो नेगेटिव पार्ट रिएजन का जुड़ेगा। तो इसके पास एकदम नहीं है, इसके पास 2 है, तो इसके पास यहाँ पर ही आपका नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा इस रिएजन का। और तो ये हो गया। और दूसरा रूल ये कि यहाँ पर जो अगर C+ बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेट आयन होगा, मोर स्टेबल होगा कंपेरिजन टू दिस वन। ये प्राइमरी बनाएगा, ये 3 डिग्री बनाएगा, मतलब Br यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि C+ है और Br पर नेगेटिव है, तो Br यहीं पे ही आपका जुड़ेगा। तो CH3 CH3, ठीक है, और आपका Br यहाँ जुड़ गया और आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो आपको मोर स्टेबल ढूंढना है, उसके बाद ही Br को उस पर अटैक करा के रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है। फिर इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका चार्ज है, अगर इधर जाएगा तो 1 डिग्री, मतलब इधर जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज तो 2 डिग्री कार्बोकेट आयन बनेगा, इधर आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेट आयन बनेगा। तो इस केस में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 2 डिग्री होगा, मोर स्टेबल होगा कंपेरिजन टू दिस वन, क्योंकि ये 1 डिग्री बनाएगा, ये 2 डिग्री बनाएगा। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति होगी वो आपको सोचनी है रिएक्शन में, कि मोर स्टेबल कार्बोकेट आयन कैसे बन रहा है। मोर स्टेबल कार्बोकेट आयन बन जाएगा, उसके बाद आप Br का वहां पर अटैक कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, कि जिससे कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा उसी से नेगेटिव पार्ट रिएजन का जुड़ता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एकदम नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका Br जुड़ गया। एक तो मार्कोनिक ऑफ रूल से और दूसरा आपने स्टेबिलिटी से भी आपने बता दिया, इससे 2 डिग्री कार्बोकेट आयन यहाँ बन रहा है, इसका मतलब Br यहाँ पे जुड़ेगा। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे, और Br आपका यहाँ जुड़ गया इस कार्बन पर, और हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। एक पर हाइड्रोजन जुड़ गया, एक पर Br जुड़ गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है, तो Br यहाँ जुड़ गया, तो आपका प्रोडक्ट ये बन गया। तो इस तरह से एग्जाम में क्या होगा कि प्रोडक्ट नहीं देगा और आपका इतना दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको करके दिखाना है। तो आप सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेट आयन को फाइंड कीजिए, उसके बाद Br को जोड़िए। इसको ध्यान रखिएगा कि नॉन पोलर है यहाँ पर, कि आपका H2O है कि H2O2 है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उस पर भी आप ध्यान देंगे, H2O होगा तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, नॉन पोलर होगा इनर्ट होगा तो आपका एडिशन रिएक्शन होगा, अगर H2O2 होगा तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा। तो आपको सॉल्वेंट पर भी ध्यान देना है, रिएजेंट पर भी ध्यान देना है, और स्टेबल कार्बोकैटायन पर भी ध्यान देना है। सो स्टूडेंट, तो आप हैलोजिनेशन का एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हमने Cl2 से करा दिया तो दोनों ही तरफ दोनों ही कार्बन पे एक एक Cl अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ph2c डबल बॉन्ड cph2। ph का मतलब होता है फेनिल रिंग, मतलब ये वाला, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग को हम क्या कहते हैं, फेनिल रिंग, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है आपका इस कार्बन से, 2 जुड़े हुए हैं, ph2 मतलब 2 जुड़े हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर भी 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो काफी बड़ा हिंड्रेंस लग रहा है, ठीक है, 2 बड़े बड़े ग्रुप अटैच है दोनों ही कार्बन पे, इस कार्बन पर भी 2 बड़े बड़े फेनिल रिंग अटैच है, इस कार्बन पर भी 2 बड़े बड़े फेनिल रिंग अटैच है। तो अगर इसका रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ph2cCl, सिंगल बॉन्ड CCl PH2, ये तो बन जाएगा आराम से, हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी का रिएक्शन Br2 से करा दिया, Br2 से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। आयोडीन से अगर रिएक्शन कराया आपने I2 से,
तब भी इसकी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन सीएल टू से कराया तो रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े फेनिल रिंग जो है वो जुड़े हुए हैं इससे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। सर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जो होगा वो फेनिल रिंग जो होगा उस कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, हिंड्रेंस पैदा करेंगे, घेरे रखेंगे चारों तरफ से, जिसकी वजह से ये ब्रोमीन जो है उस अटैक ही नहीं कर पाएगा उस कार्बोकेटाइन पे। एक तो खुद भी इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, सीएल की साइज छोटी होती है, वो कहीं से भी अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पर। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन की साइज बड़ी होती है, आयोडीन की साइज बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन उस पर वो अटैक ही नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर आपको मैकेनिज्म से अगर मैं समझाऊं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक फेनिल रिंग होता है सी, यहाँ पे दूसरा फेनिल रिंग होता है सी, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर आपने सीएल टू से कराया तो क्या होगा कि ये बॉन्ड खुलेगा और आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ कि ब्रोमीन से क्यों नहीं होता है प्रोडक्ट, तो आपने पहले भी देख लिया, लेकिन ब्रोमीन से आप रिएक्शन करा रहे थे तो क्यों नहीं हो रहा था वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो Br2 से अगर आप रिएक्शन कराओगे इसका, तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा इस तरह से, सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पर भी कार्बोकेटाइन को फॉर्म कर सकते हो, किसी भी कार्बन पे कर सकते हो डबल बॉन्डिंग पे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर हो गया प्लस चार्ज सी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, बाकी के दो फेनिल रिंग यहाँ पर अटैच हो गए, एक फेनिल यहाँ पर अटैच हो गया, एक फेनिल आपका यहाँ अटैच हो गया, और यहाँ पर आपका प्लस चार्ज हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, प्लस चार्ज नहीं ब्रोमीन यहाँ पर होगा ना, क्योंकि ब्रोमिनेशन आप करा रहे हो ना, तो एक ब्रोमीन पे प्लस चार्ज, एक ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, तो आपका प्लस चार्ज वाला अटैक कर लिया, नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ पर है, बी आर नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये कैसे अटैक करेगा इस पे, तो अब ये बताइए कि बी आर नेगेटिव जो है, एक तो खुद ही इतना बड़ा साइज है, आई माइनस खुद ही इतना बड़ा साइज है, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो हिंड्रेंस हो रहा है, दोनों फेनिल ग्रुप इसको घेरे रह रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो बड़ा साइज है, ऊपर से ये भी बड़ा बड़ा ग्रुप अटैच है, तो इसका जो अटैक ही नहीं हो पाएगा, हिंड्रेंस पैदा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हो जाएगा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, दूसरे स्टेप में रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम सीएल टू को ले लेते हैं तो पहले केस में सीएल प्लस जुड़ जाएगा, दूसरे केस में भी सीएल जाके वहां पे सीएल माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि साइज छोटी होती है तो वो तुरंत पीछे से आगे से घूमकर वो रिएक्शन कर लेगा। लेकिन ब्रोमीन की साइज बड़ी होने की वजह से, आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से रिएक्शन यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में अगर पीएच रिंग दिया हुआ है, फेनिल रिंग दिया हुआ है अगर एल्कीन के साथ, तो रिएक्टिविटी सीएल टू की ज्यादा होगी, फिर बीआर टू की, फिर आई टू की रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। किस केस में, जब फेनिल रिंग दिया होगा डबल बॉन्डेड कार्बन। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि एल्कीन का हमने H2O से रिएक्शन कराया तो क्या होगा। पहले केस में हमने देखा हाइड्रोहैलोजिनेशन एल्कीन का, दूसरे केस में देखा हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, तीसरे केस में हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। H2O से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रेशन मतलब होता है H2O का जुड़ना, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H+H2O का, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब H2O का जुड़ना होता है, और H3O+ है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हम यहाँ पर हाइड्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, हाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है। हाइड्रेशन कराओ चाहे हाइड्रोलिसिस कराओ, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। कैसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन कराया H+ से, बाद में आप H2O से कराएंगे, इसका मतलब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो H+ और H2O के केस में, ठीक है। ये आप ले रहे हो रिएजेंट के फॉर्म में, तो आपने ये आपका रिएक्शन हो रहा है, तो आपका ये एक हो गया, दूसरे केस में आपका यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहले इसकी मैकेनिज्म करते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं। मैकेनिज्म करेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्सरी होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपका H+ जो आपने लिया है एसिडिक मीडियम में लिया है ना, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इस न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो H+ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे,
तो आपका बनेगा CH3। एच यहाँ पे जुड़ गया CH3 सिंगल बॉन्ड, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दो यहाँ पर CH3 अटैच है, ठीक है। ये बन गया पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो आपका कार्बोकैटायन बना है CH3 सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3 CH3 ये बना है। अब इसका हमने रिएक्शन करा दिया H2O से, हाँ। तो H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल चाहे इस पर अटैक करे चाहे इस पर अटैक करे, ठीक है, यहां पर ये अटैक करेगा तो आपका CH3 सी और इसके ऊपर O, यहां पर एक हाइड्रोजन है यहां पर एक हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पर CH3 बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि H2O पूरा जुड़ रहा है और उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जुड़ रहा है इस इलेक्ट्रोफाइल से। तो इस केस में ये अनस्टेबल है तो यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ, खींचकर H+ के फॉर्म में ये बाहर निकाल देगा। जब H+ के फॉर्म में ये बाहर निकालेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कैसे, H+ के फॉर्म में ये बाहर निकाल दिया माइनस H+ को, तो आपका बन जाएगा CH3COH और एक CH3 यहां पर होगा, ठीक है, एक CH3 यहां पर होगा, टर्शियरी अल्कोहल यहां पर बन जाएगा, बनेगा ना। CH3C दो CH3 अटैच है और यहां पर OH, तो ये बन गया पर टर्शियरी अल्कोहल। कब, जब ये ऑक्सीजन अनस्टेबल फॉर्म में है, H+ के यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा हाइड्रोजन का, H+ यहां पे बाहर निकल जाएगा वापस जहां से आया था, तो ये बन गया आपका अल्कोहल। तो जब हम किसी एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर ये कैटलिस्ट दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है H+ और H2O के प्रेजेंस में इस एल्कीन का, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ठीक है, थिंक अबाउट इट। चलिए तो करते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। तो मैकेनिज्म से पहले देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन को फॉर्म करना है। कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे हमें ये देखना है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो हमें तो चाहिए 3° कार्बोकैटायन, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब हम इधर मूव कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा ये, और आपका नेगेटिव यहाँ बन गया और यहाँ से आपका पहले इसको बना तो लो उसके बाद फिर आपका आयन दिखा रहा। फर्स्ट स्टेप में पहले आप आयन को बनते हुए तो दिखाइए, तो यहाँ पर आपका इस तरह से है, फिर यहाँ पर CH3 है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, हाँ, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इधर मूव करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे मूव करेगा, तो आपका जो बनेगा वो होगा पॉजिटिव इस कार्बन पर, CH3 यहाँ पर है, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन हो गए, एक पहले से है एक आगे जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका ये है और यहाँ पर CH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, यही है। सेकेंड स्टेप में H2O का अटैक होगा क्योंकि H2O भी है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, कहाँ पर अटैक होगा, इस C+ पर अटैक होगा यहाँ पर, तो आपका क्या बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ गया, O प्लस चार्ज H2 और यहां से दो हाइड्रोजन, इसको बनाओ चाहे ना बनाओ कोई मतलब, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा कि -H+ बाहर निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, -H+ जब बाहर निकलेगा तो अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहां से -H+ निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल है ना ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन का, तो यहां पर आपका बन जाएगा ये प्रोडक्ट ऐसे। उसके बाद CH3 और OH और यहाँ पर दो हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। H यहाँ से निकल गया तो टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे बन गया, तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया। मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, लिखना है तो लिख लीजिए,
आपको प्रोडक्ट यहीं पर बनाना है अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया, पहले आप रिएक्शन लिखते हैं फिर मैकेनिज्म में स्टेप वाइज करके आप दिखाते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यही तक, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा तो आपके भी दिमाग में काफी सारा कंफ्यूजन होने लगेगा, इस वजह से यहीं तक आज रहने देते हैं। कल फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो फिलहाल आपको क्या करना है, सारा रिवाइज करना है, काफी सारे इसके क्वेश्चंस जो है अपने बुक उठाइए, उसमें से सॉल्व कीजिए एडिशन रिएक्शन के। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।